नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें 13 जून से लेकर 30 जून के समयावधि में कि अब आपके जीवन की बारी आ चुकी है, जब आपके कर्मों का हिसाब स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। जी दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान सभी के कर्मों को देखकर उनका फल देते हैं। जी दोस्तों, भगवान शनिदेव दंडाधिकारी सभी के कर्मों के हिसाब से उन्हें अनुचित परिणाम देते हैं। और दोस्तों, यह समय आपके जीवन काल में जितने भी समस्याएं हुई है, जितने भी परेशानियां हुई है, जितने भी आपने पिछले समय मेहनत किए हैं दोस्तों, उन सभी का हिसाब होने वाले हैं और उन्हीं सभी का अच्छे फल आप सभी को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में तो बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त हुई है। भगवान शनिदेव ही हैं जो कि आपके जीवन काल को संभाल कर रखे हुए हैं और आपको अपने जीवन काल में अच्छी इच्छा शक्ति भी देते हैं, जिन्हें दोस्तों करके आप अपने जीवन काल में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। यह बात तो आप खुद ही जानते होंगे कि पिछले समय कुछ व्यक्ति आपके जीवन काल में किस प्रकार गड्ढे खोद रहे थे और आज वह किस जगह है और आप किस जगह हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपका भी धैर्य का बांध भर चुका है और अब आपके जीवन काल में खुशियों की सागर भरने वाली है। जय दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले समय में, आने वाले 13 जून से लेकर 30 जून के समयावधि में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जीवन काल की सबसे बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, जिन्हें लोग देखते रह जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको बहुत सी बातों को लेकर सावधान भी रहना होगा। क्यों दोस्तों, आप ना चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर देते हैं, इस लोगों की बातें मान जाते हैं जिनसे आपको भारी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके अपने सच्चे स्वभाव को अब छोड़ना होगा, अपने भोलेपन को अब त्याग करना होगा। जीवन काल में अब आपको भी संभलना होगा। इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको आने वाले समय में इनसे ऊंचा छलांग लगाना होगा। जी दोस्तों, और भगवान शनिदेव जो आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसे में यश में आप कुछ बातों को लेकर जरूर ही सावधान रहें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला कदम होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरह ग्रह गोचर पर निर्मित आप सभी के जीवन काल को बिल्कुल ही संवार देगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे परम भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों, आप वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों चैनल को भी कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे विचार से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमेशा यह बात कहते हैं कि इस जीवन में कई घाव आपको मिलेंगे, हमें घावों से ज़्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को याद रखना चाहिए। जी दोस्तों, आपके भी जीवन काल में ऐसे घाव देने वाले लोग हैं, ऐसे घाव देने वाले शत्रु हैं। तो दोस्तों, आपको घाव पर नहीं, जो शत्रु है उन पर ध्यान रखना है कि कौन पीठ पीछे आपके वार कर रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आए दोस्तों, से साथ बात करते हैं कि भगवान श्रीदेव आपके कर्मों के हिसाब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में 13 जून से लेकर 30 जून के समयावधि में आपको कौन कौन सी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, यश में भाग्य का सितारा आपके लिए प्रबल है। प्रत्येक कार्य की सलीके व व्यवस्थित रूप से करने से जल्द ही लक्ष्य भी आप हासिल कर लेंगे। विशेषकर महिला वर्ग को अपने आत्मविश्वास व फिर कार्य क्षमता द्वारा उपलब्धि हासिल होगी। बच्चों का सकारात्मक रवैया खुशी और सुकून देगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों, यश में दिल की बजाय दिमाग से काम लें। बहुत अधिक भावुकता आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बहुत अधिक जो है बखान ना करें, अन्यथा जलन की भावना से लोग आपका नुकसान भी यह समय कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे परिवार के साथ रहना और परिवार से दूर रहना, दोनों बातों में यश में आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। दोस्तों, व्यक्तिगत दायरे को न बना पाना, इसकी वजह से परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में जो है रोष पैदा हो सकता है
और दोस्तों उनसे दूरियां बनाने की वजह से मानसिक रूप से आपको कमजोर भी होना पड़ेगा। दोस्तों यह समय केवल निजी भविष्य के बारे में विचार करके लक्ष्य तय करने पर आपको लगाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से पूरा करेंगे। दोस्तों अपनी जीवन शैली में कुछ नकारात्मक परिवर्तन लाने से आप जो है मानसिक व फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों किसी के घर पर जो है उत्सव में भी जाने का आपको आमंत्रण मिल सकता है। इसको उपरांत दोस्तों यह समय अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा जिसकी वजह से आपका बजट भी यह समय गड़बड़ा सकता है, परंतु दोस्तों यह समय धैर्य रखना आपके लिए उचित होगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन या समय स्थगित रखें क्योंकि दोस्तों इनमें दिक्कतें आ सकती है और दोस्तों किसी अधिकारी से भी बहस हो सकती है, तो दोस्तों यह समय अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों कुछ व्यक्तिगत बातों के बारे में आपको क्लैरिटी आने की वजह से आपका लक्ष्य तय हो सकता है और दोस्तों उससे जुड़ी बातों में जो है किसी प्रकार की प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही दोस्तों यह समय आपको पता चलेगा कि जितने आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं परिस्थितियां उतनी नकारात्मक नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों नज़दीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी भावी लक्ष्यों की प्राप्ति भी आपको आसानी से इसमें हो सकता है। दोस्तों विद्यार्थी जो है अपने पढ़ाई के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें, मेहनत के उचित परिणाम आपको इसमें मिलेंगे और इनसे आप राहत महसूस करेंगे। साथ ही किसी महत्वपूर्ण यात्रा का भी प्लान बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि किसी बात में आकर आप जो अपना काम बिगाड़ सकते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दोस्तों यश में परिवार के किसी व्यक्ति के विवाहित जीवन में जो है अलगाव की स्थिति आ सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अवश्य रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आप भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया वक्त आपको आनंद देगा। दोस्तों अपने उत्साह को वापस लाने के लिए जिन बातों में आपको आत्मविश्वास है दोस्तों उन बातों से आपको काम शुरू करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में परिस्थितियां बहुत ही अधिक अनुकूल है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा भी यश में महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का भी पूर्ण रूप से आपके ऊपर सहयोग और सलाह रहेगा। दोस्तों घर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य यश में हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों अपने शब्दों पर यश में नियंत्रण रखें और यह समय अपनी फिजूल खर्ची पर भी आपको अंकुश लगाना आवश्यक होगा। युवा वर्ग व्यर्थ के घूमने फिरने में अपना समय नष्ट न करके जो है भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा आपको खुशी का खबर मिल सकता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न यश में सफलता प्राप्त करेगी जिसका आनंद आप पूरे परिवार मिल बैठ कर लेंगे। दोस्तों आपके आसपास के वातावरण में अचानक से कोई सकारात्मक बदलाव दिखने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कर्मचारी के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। उचित मेहनत व फिर कार्य क्षमता द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी और दोस्तों अपने लक्ष्यों को आप निर्धारित करने में सफल रहेंगे। दोस्तों वह शीघ्र ही हासिल होगा जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर यश में कार्यभार की अधिकता भी रह सकती है जिनसे आप दोस्तों आपको थोड़ा सा ओवर टाइम भी यश में करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय में बदलाव संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा और आप अपनी समझदारी व अपनी काबिलियत द्वारा हर स्थिति को हल निकालने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों आर्थिक रूप से दिन यश में उत्तम रहेगा और दोस्तों कोई रुकी हुई पेमेंट भी यश में आपको मिल सकती है, इनकी पूरी संभावना बन रही है। साथ ही दोस्तों नौकरी में जो परिस्थितियां भी तनावपूर्ण रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में आपकी रुचि रहेगी। यश में यही आदत आपके लिए आर्थिक लाभ और मुनाफे का कारण भी बनेगा, परंतु दोस्तों यश में रुपये पेशे के मामले में जो है किसी पर भी भरोसा ना करें और खुद पर विश्वास करें। दोस्तों यश में नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी फाइलें व फिर डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और दोस्तों आप दोबारा से जो है व्यवसायिक गतिविधियों पर अपना ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन
और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, शेयर, स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित कार्यों में भी यश में सफलता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें, इससे दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। परंतु प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी या समय उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेवा और फिर देखभाल में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच गलतफहमी हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपस में बैठकर समस्या का सुलझाने का कोशिश करें, अन्यथा दोस्तों स्थिति और अधिक गड़बड़ हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में बेहतर तालमेल बिठाकर रखने से घर का माहौल जो है सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा रहेगा। परंतु दोस्तों यश में प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सिर दर्द तथा थकान की स्थिति रहेगी। काम के बीच बीच में आपको आराम भी लेना चाहिए और दोस्तों अपने खान पान को भी यश में व्यवस्थित रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।